ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में मेहनत कर करके थक चुके हैं, फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। कहानी को पूरी समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। किसी गांव में एक साधु महाराज रहा करता था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती। गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तो वे लोग साधु के पास जाकर उनसे विनती करते कि वे नाचे, और वह साधु महाराज जब नाचने लगता तो बारिश शुरू हो जाती। कुछ दिन बीतने के बाद चार लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड के कारण उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। फिर क्या, अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु के आश्रम में गए। साधु को सारी बात बताई, फिर उस लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा नाचने के बाद भी बारिश नहीं हुई और पहला लड़का थककर बैठ गया, फिर भी बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे ने नाचना शुरू किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। अंत में जब साधु ने नाचना शुरू किया, एक घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। दो घंटा बीता, फिर भी नहीं हुई। फिर भी साधु नाचते रहा। नाचते नाचते शाम हो गई। फिर बहुत जोरों की बारिश हुई। सभी लड़के देखकर दंग रह गए और तुरंत साधु से माफी मांगा और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूँगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने वाले के लिए भी यही गुण होनी चाहिए। जो जिस कार्य को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा विश्वास होना चाहिए, और वह तब तक उस कार्य को करते रहना चाहिए जब तक कि सफल ना हो जाए। इसीलिए हमें अगर सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह ही अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, तभी एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।